रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इसी के साथ में 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वह यही हैं कि किसी भी तरह का कॉन्ग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं, जो उससे संबंधित डायरेक्शंस हैं, उनका 100% अमल हो। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सभी राज्यों को कोऑर्डिनेट और मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन मेजर्स इंप्लीमेंट करते समय माइग्रेंट वर्कर्स का वेलफेयर, उनके लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स, वहां पर ये भी इंश्योर करने को कहा कि वहां पर सफिशियंट सैनिटेशन हो, फूड वाटर का अरेंजमेंट हो और सब तरह के मेडिकल रिलेटेड इंतजाम किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉपर क्वारंटाइन मेजर्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय रेल 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है जिसके तहत 20,000 कोचेज को मॉडिफाई करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत 5,000 कोचेज को मॉडिफिकेशन शुरू की जा चुकी है जिसके थ्रू हमें 80,000 नए आइसोलेशन बेड्स प्राप्त होंगे। इसी तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर में लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च की हैं जिनके द्वारा मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज जैसे टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रीजेंट्स, मास्क और एसेंशियल कॉमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में लाइफलाइन उड़ान के द्वारा 15.4 टन मेडिकल सप्लाईज को भी ट्रांसपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 1 अप्रैल से 24 क्लासेज ऑफ मेडिकल डिवाइसेज दे विल बी रेगुलेटेड एज ड्रग्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्राइस मॉनिटरिंग अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013 जिसके तहत कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी ये डिवाइसेज हैं इनका MRP 10% पिछले 12 महीनों में जो रहा है उससे 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता। यह एक अनिवार्य कदम है ताकि जो रिलेटेड दवाई और इनके जो प्राइसेज हैं वो ना बढ़ें। आयुष मंत्रालय ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में सेल्फ केयर की गाइडलाइंस रिकमेंड की हैं जो कि विशेष रूप से COVID-19 क्राइसिस के समय रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हेल्प करेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को आदेश दिए हैं कि रिलीफ कैंप में रिक्वायर्ड साइको सोशल सपोर्ट के लिए ट्रेंड काउंसलर्स हों और साथ ही सभी धर्मों के कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स भी विजिट करके उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एक्शन लें। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलें तो इसके लिए टेक्निकल क्वेरीज जो भी हों उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल आईडी हमने क्रिएट की है जिसको कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के एक ऑफिसर और एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके तहत उस ईमेल आईडी के द्वारा हम रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल गाइडेंस भी एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वह ईमेल आईडी है technicalquery.covid19@gov.in। लेट मी रिपीट, द ईमेल आईडी इज technicalquery.covid19@gov.in। इसके द्वारा हम टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिटेल्स और टेक्निकल गाइडलाइंस जो हमारी हैं वो आज भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं सभी नागरिकों से सरकार का समर्थन करने की अपील करता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में एसेंशियल कॉमोडिटीज को खरीदते समय भी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी कॉम्प्लेसेंसी ना दिखाएं और हमारा कोई भी गलत कदम हमारी फैमिली, हमारी फैमिली के बुजुर्गों और समाज को नुकसान पहुंचाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के निरंतर समर्थन, धैर्य, अनुशासन और जागरूकता के साथ भारत कोविड 19 की इस लड़ाई में जीतेगा। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको अपडेट करना चाहती हूं कि स्टेट्स और यूटीज में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज का स्टेटस संतोषजनक है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टेट्स और यूटीज फूड और शेल्टर की व्यवस्था कर रही हैं। अपडेटेड फिगर्स के अनुसार 21,486 यानी कि 21,486 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं, जिसमें 675,193 पर्सन्स को शेल्टर दिया जा रहा है और लगभग 25 लाख लोगों को मील्स दिए गए हैं। आज लॉकडाउन के एनफोर्समेंट और एसेंशियल सप्लाईज की स्टेटस को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीसी द्वारा डिटेल डिस्कशंस किए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सबको रिएटरेट किया कि कार्गो मूवमेंट हैसल फ्री होना चाहिए बिना किसी रुकावट के, और ये डायरेक्शंस ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट होने चाहिए। उन्होंने स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेडिशियसली होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए, और चूंकि ये बेनिफिट्स का डिस्पर्समेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू करना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि सबको बेनिफिट्स मिले पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी मेंटेन हो। जैसा मेरे कलीग ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स में जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए ट्रेन्ड काउंसलर्स और कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स के साथ मिलकर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, और हमारा पूरा विश्वास है कि इन सब मेजर्स के साथ हम इंश्योर कर सकेंगे कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हो और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन रहें। आईसीएमआर की तरफ से डॉक्टर गंगाखेड़कर। आज तक हमने 47,951 टेस्ट किए हैं, 4,562 टेस्ट जो हैं वो आईसीएमआर नेटवर्क के जो लैब्स थे उसमें कल हुए, वो तकरीबन अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 38% है। प्राइवेट लैब्स में जो कल का आंकड़ा आया है वो 816 है। आईसीएमआर के लैब्स के नेटवर्क में अब टोटल संख्या जो है लैब की वो 126 हो गई है। नंबर ऑफ प्राइवेट लैब्स जिनको अप्रूवल दिया गया है उनकी संख्या 51 हो चुकी है। नाउ वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम दूरदर्शन। सर, अगर जागरूकता की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? जिस तरीके से एचआईवी में स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, तो आपको लगता है कि और जरूरत है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, जागरूकता क्रिएट करने कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो जैसे आपने कहा कि ये जागरूकता आपके थ्रू डिफरेंट और मोड के थ्रू सरकार ऑलरेडी कर रही है। लॉकडाउन जो एक ऐसे प्रोसेस हमने इनिशिएट किया वो भी एक जागरूकता का ही पार्ट है, जिसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, सारी स्टेट्स इसके बारे में काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जागरूकता और जागरूकता की जो इंटेंसिटी है उसको समझते हुए, जो इशू है उसकी इंटेंसिटी को समझते हुए उसके ऊपर पालन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एक विषय है। हम हमेशा कहते हैं कि कई बार हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें नहीं होगा, वह भावना किसी के अंदर ना हो। हम सब लोग उस थ्रेट का पार्ट हो सकते हैं जिसके तहत हमें सबको रिएक्ट करना चाहिए। मिस्टर साहिल फ्रॉम एएनआई।
So there have been reports of doctors, nurses contracting COVID. The government has maintained that it has sufficient support, stock of PPPs. Have these been sent to all frontline clinics and hospitals across the country? Because reports of the contrary are coming. And one more, adding one more point, then in the last 24 hours, the highest spike in the cases is being seen. India has the lowest testing numbers as compared to rest of the world. Will there be any change in the testing strategies now? Just supplementary, I'd like actually from the same line. There are reports from several hospitals across the country complaining about quality of PPEs. Is there any action being taken by the Ministry of Health? As far as PPEs are concerned, you are aware that PPEs, there was a problem to begin with because the product was imported. But Government of India took series of steps since January itself, not only prohibiting exports, but also parallelly ensuring that we develop indigenous capacity. Parallelly, we also revised the guidelines based on the type of virus we are dealing. And as per the revised guidelines and creation of these indigenous manufacturers, we are trying to upgrade the capacity and availability of PPEs in the country. It is an ongoing process. We have also parallelly followed up through Ministry of External Affairs in terms of importing PPEs as per need. And what we have done is whatever PPEs have been obtained, these PPEs based on the caseload, they are also being supplied to the state in terms of management also. Last question, Mr. Upadhyay. मैडम एक तो आपसे जानना था कि ये तबलीगी जमात वाला केस है इसमें कितने लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और इसमें कितने फॉरेनर्स इन्वॉल्व हैं और एक क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें कि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि एनएसए समझाने गए थे मौलाना साद को 28 तारीख की रात को तो क्या ये ऑफिशियली हुआ था अगर क्या हुआ था कैसे हुआ था और एक सवाल आईसीएमआर से था कि सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर बहुत सारी धारणा अभी भी चल रही हैं ऑफिशियल पोजीशन क्या है क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को दवा के तौर पर आईसीएमआर ने मान्यता दी है तबलीगी जमात के इशू पर एक इलैबोरेट प्रेस ब्रीफ ऑलरेडी जारी हो गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा माय रिक्वेस्ट विल बी दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड वील कम्युनिकेट मोर डिटेल्स टू यू सेपरेटली अच्छा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो आपने पूछा जैसे पहले भी हम बार बार बोल चुके हैं ये किसी कोई लोग हर इंसान ने इस्तेमाल करने की दवा नहीं है ये सिर्फ एक डेमॉन्स्ट्रेशन स्टडी करके डॉक्टर्स और जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ लैब कंफर्म केसेस उनको दी जा रही है उसका डेटा जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या इसको आम लोगों को लेने के लिए रिकमेंड करें या ना करें जो कॉन्टैक्ट में आते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच